पासीघाट जिसे अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे पुराना शहर है। पासीघाट को अंग्रेजों ने 1911 ईस्वी में स्थापित किया था, जो आज पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय के रूप में कार्यरत है। सियांग नदी के किनारे बसा पासीघाट समुद्र तल से 152 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कृषि यहाँ के स्थानीय लोगों का मुख्य व्यवसाय है। प्रमुख तौर पर यहाँ धान की खेती की जाती है, पर इसके अतिरिक्त इस शहर के करीब चाय के कई सारे बागान भी हैं। कृषि और बागवानी के साथ पर्यटन भी पासीघाट की आय का एक प्रमुख स्रोत है। अब चलिए पासीघाट के आसपास के पर्यटक स्थल के बारे में आपको बता देता हूँ। पासीघाट अपने साहसिक खेलों के साथ साथ शहर के सुंदर स्थानों के लिए भी लोकप्रिय है। झरने और झूलते पुलों और पहाड़ों की चट्टाने एक ही समय में इसे पर्यटन और विश्राम का स्थान बनाते हैं। डी एरिंग अभ्यारण्य, केकर मोइंग, कोनसिंग और पनगिन इस शहर के कुछ पर्यटक स्थल हैं। एक समृद्ध संस्कृति से बंधे इस स्थान में आदि जनजाति के लोग रहते हैं। यह भी माना जाता है कि आदि भाषा का सम्मेलन पासीघाट में ही शुरू हुआ था और हमारे लोकप्रिय ब्लॉगर पासीघाट से ही संबंध रखते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे, पासीघाट के मूल निवासी अपनी समृद्धि संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हैं। यहाँ त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मोपिन और सोलुंग यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। मोपिन का त्योहार बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। स्थानीय लोग धन और ज्ञान की देवी की पूजा कर उनसे अपनी सफलता और अपने जीवन से नकारात्मक चीजों को दूर रखने की प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर अप्रैल के महीने में बुआई के केवल कुछ दिन पहले मनाया जाता है। सोलुंग एक और लोकप्रिय त्यौहार है जिसे अगस्त के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार कुल 5 दिनों का होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी छुट्टियों का आनंद सेवन सिस्टर में कहीं मनाएं, तो आप पासीघाट पहुंच सकते हैं। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के आसपास के शहरों तथा असम के कुछ स्थानों से भी जुड़ा हुआ है। पासीघाट का वातावरण उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ हल्की सर्दियों को भी अनुभव करता है। यह साल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको पासीघाट से संबंधित यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आप तक हर रोज पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।